संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अब हम चलेंगे फिशिंग कैट के एनक्लोजर के पास। मुख्यतः आद्र भूमि और अनुकूलित क्षेत्र में पाई जाने वाली इस बिल्ली का मुख्य भोजन मछली होता है, इसी वजह से इन्हें फिशिंग कैट भी कहा जाता है। दुर्लभ विलुप्त प्राय फिशिंग कैट शारीरिक रूप से सामान्य बिल्लियों के तुलना में दोगुने आकार के होते हैं। इनमें मादा का वजन 5 से 9 किलोग्राम का होता है तो नर का वजन 8 से 16 किलोग्राम का होता है। इनकी लंबाई लगभग 57 से 78 सेंटीमीटर तक होती है। इन्हें मछली के अलावे छोटे जानवर, मुर्गी और छोटे आकार की बकरी खाना पसंद है। ये एकांत और निशाचर शिकारी होते हैं। ये दिन में घने झाड़ियों में आराम करना पसंद करते हैं और फिर भोजन के लिए रात को पानी में रहते हैं। ये गजब के तैराक होते हैं। मछली का पीछा करते हुए ये अक्सर कई किलोमीटर तक तैरते हैं। इनका प्रजनन काल जनवरी से फरवरी का होता है। 60 से 70 दिनों के गर्भधारण के बाद मादा फिशिंग कैट एक बार में 1 से 4 बच्चों को जन्म देती है। इनके शावक लगभग 11 महीनों के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद ये बिल्ली देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं और अपने एनक्लोजर में ये काफी चंचल होते हैं। इसी कारण यहाँ आने वाले हर उम्र के दर्शकों के बीच ये बेहद लोकप्रिय हैं और यहाँ आने वाले दर्शक इनके एनक्लोजर के पास आकर इन्हें जरूर देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।